नमस्ते। अगर आप मेरी तरह खाने की शौकीन है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ मटर के पराठे। सर्दियों में हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म पराठे खाने का सबको ही मन करता है। आप सबका स्वागत है वेज रसोई माधुरी पे। चलिए बनाते हैं। एक कप मटर के दाने लिए हैं, इसे मिक्सी जार में डालेंगे। चार हरी मिर्च, आप चाहे तो इसमें अदरक और लहसुन भी मिला सकते हैं। पेस्ट बना लीजिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल लिया है, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच राई, पिंच हींग। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच बेसन। इसको थोड़ा सा सेकेंड्स के लिए सेकेंगे, ब्राउन होने तक नहीं सेकना है। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धना पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें मटर का पेस्ट डाल देंगे। अब गैस को मद्धा कर दीजिए। अब इसको 5 मिनट तक आप सेकिए मध्य आँच पे। आप इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा, मध्य आँच पे ही सेकिएगा। अब 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा मसाला ड्राई होने लगा है और ये नीचे लग भी नहीं रहा है। लीजिए, रेडी हो गया है मटर का मसाला। अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक ठंडा हो रहा है आटा लगाते हैं। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें नमक स्वाद अनुसार डाला है। अब 2 बड़े चम्मच तेल, आप चाहे तो घी का भी डाल सकते हैं या मलाई भी डाल सकते हैं मोहन के लिए, इससे पराठे अच्छे खस्ता बनते हैं। आटा हमें पराठे की तरह ही लगाना है, जैसे रेगुलर पराठे का आटा लगाते हैं, थोड़ा टाइट लगाना है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब मटर का मसाला ठंडा हो गया है, इसके छोटे छोटे लड्डू बना के रख लेंगे। इस तरीके से देखिए, छोटे लड्डू बना लीजिए। आप चाहे तो बड़ा या छोटा साइज़ ले सकते हैं। इस तरीके से प्लेट में बना के रख लीजिए। अब यहाँ में ये छोटी सी रोटी बेलेंगे, बिल्कुल छोटी सी पूड़ी साइज़ में, जैसे पूड़ी बनाते बस इतना। अब इसमें जो मटर का मसाला था वो रख देंगे। हम कचौड़ी बनाते हैं वैसे ही इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से देखिए, साइड में इस तरीके से सारे फोल्ड कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। तो इससे ये होगा कि मसाला अच्छे से पराठे में सब्बू से भरा हुआ दिखेगा। बस अब धीरे धीरे बैलेंस से हम बेलेंगे। पराठा थोड़ा मोटा ही रहने दीजिएगा। ये हो गया है। अब मैंने पहले से तवा गर्म करके रखा था। अब इस पे आप घी या तेल लगा के इसको अच्छे से सेक लीजिए। अब दोनों साइड से तेल या घी लगा लीजिए। देखिए अच्छे से सिक गया है, मसाला भी दिख रहा है, क्रिस्पी दिख रहा है एकदम। बस लीजिए, रेडी हो गया पराठा। ये देखिए किस तरीके से स्टफिंग है, ये सब में अच्छे से भर गया है। अब सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ और दही के साथ गर्मा गर्म मटर का पराठा।